गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रश्मि वोहरा मणिपाल हॉस्पिटल से आईवीएफ डिपार्टमेंट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट आईवीएफ। तो आईवीएफ या इनफर्टिलिटी को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि लोगों के मन में हैं, आम जनता के मन में हैं कि आईवीएफ के साथ एसोसिएटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे की आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला मिथ कि लोग सोचते हैं कि आईवीएफ एक सॉल्यूशन है किसी भी एज के बीच में बच्चा पैदा करने का, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है, बिकॉज हर औरत के बीच में, हर आदमी के बीच में, जो औरत के अंदर एग्स और आदमी के अंदर शुक्राणु, उनकी एक एज लिमिट होती है। एक नॉर्मल इंसान की कोई भी एज की एक्सपेक्टेंसी वुमेन की अराउंड 75, मेल की अराउंड 70 है, लेकिन हमारे एग्स और स्पर्म्स के साथ ऐसा नहीं होता है, स्पेशली एग्स के साथ। एग्स जैसे जैसे औरत एज होती है वैसे वैसे उसके एग्स ख़त्म होने लग जाते हैं, और स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35 एग्स बहुत कम रह जाते हैं। और आईवीएफ से ऐसा नहीं होता है कि कभी भी एग्स हम निकाल सकते हैं, जितने एग्स औरत के अंदर होंगे उतनी ही देर तक वो आईवीएफ करवा सकती है, उसके बाद डोनर एग्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आईवीएफ के थ्रू किसी भी एज में प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये एक फर्स्ट मिथ है जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई आईवीएफ करवाना चाहता है तो उसके लिए भी एज का एक बार है। प्रेफर किया जाता है कि अगर अपने ही एग से आईवीएफ करवाना है तो वो लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज हो, क्योंकि उसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं डोनर एग्स लेने के। सेकेंड मिथ है कि आईवीएफ के साथ हमेशा ही ट्विन्स होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, जो कि एक मिथ है। ये डिपेंड करता है कि कितने एम्ब्रियोस ट्रांसफ़र किए गए हैं। अगर हम ज़्यादा एम्ब्रियोस ट्रांसफ़र करेंगे तो ज़्यादा प्रेगनेंसीज हो जाएगी, जैसे 2 बच्चे 3 बच्चे, लेकिन अगर हम 1 या 2 ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि इट विल रिजल्ट इन सिंगल टर्न प्रेगनेंसी। तीसरा मिथ है कि आईवीएफ के साथ जो बेबी पैदा होता है उसके अंदर कुछ कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस होती हैं। नॉर्मल कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन रेट किसी भी एक टाइम पीरियड में या किसी भी एक पॉपुलेशन में 3-4% होता है, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन जो ग्रॉसली दिखती हैं। तो और आईवीएफ के बेबीज़ के बीच में भी यही देखा गया है कि जो भी कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन, ग्रॉस कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है, वो 3-4% होती हैं। तो इसलिए जो रेट है वो सेम है आईवीएफ के बेबीज़ में भी और नॉर्मल प्रेगनेंसीज, जो कि नॉर्मल कंसेप्शन हो, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन हो। फोर्थ मिथ है कि एक बार आईवीएफ की प्रेगनेंसी हो गई तो हमें बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। आईवीएफ की प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, और जैसे कि कोई भी नॉर्मल प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो सकती है वैसे ही आईवीएफ की प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी प्रेगनेंसीज जो भी आईवीएफ से हुई वो कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। दे ऑल्सो फॉलो अ नॉर्मल कोर्स जैसे कि कोई भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। हाँ, कुछ एक जैसे कि हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ होना, ये रिस्क थोड़े ज़्यादा रहते हैं आईवीएफ प्रेगनेंसीज में, पर ऐसा नहीं है कि पेशेंट को बेड रिडन हो जाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल एक गलत मिथ है। कुछ एक मिथ्स होते हैं लोगों के मन में कि एक बार हमने आईवीएफ करवा लिया तो उसके बाद हमें हार्मोनल इम्बैलेंसेज हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेज नहीं होते हैं आईवीएफ का, और लेटर ऑन हार्मोनल इम्बैलेंसेज का कोई लेना देना नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंसेज होते हैं वो उसका रीज़न आईवीएफ नहीं होता है, ऑलरेडी पेशेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पेशेंट्स में पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, या फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये ऑलरेडी पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और पेशेंट उसको रिलेट कर लेता है आईवीएफ के साथ। आईवीएफ का हार्मोनल इम्बैलेंसेज से कोई लेना देना नहीं है। एक और मिथ है कि आईवीएफ करवाने के बाद हमें कैंसर हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आईवीएफ का कैंसर से भी कोई लेना देना नहीं है। अगर आईवीएफ, लोगों को ये मानना है कि हमें अंडेदानी का कैंसर और हमें बच्चेदानी का कैंसर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लेटर ऑन लाइफ में, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस का रिस्क रहता है उन औरतों में जिन्होंने आईवीएफ करवाया होता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रीडिस्पोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उसी तरह सेम फैक्टर है कैंसर के लिए। अब कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ अगर है उसके कारण औरत को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और वो आईवीएफ का सहारा ले रही है और लेटर ऑन उसको कैंसर हो जाता है और वो उस चीज़ को रिलेट करने लग जाती है आईवीएफ के साथ, पर एक्चुअल में वो चीज़ इसलिए हुई होती है क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी प्रीडिस्पोज है उस प्रॉब्लम से।
तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक और मिथ है कि IVF एक पेनफुल प्रोसीजर है। आज से कुछ साल पहले हो सकता है ये ट्रुथ हो, पर आजकल ये बिल्कुल ट्रुथ नहीं है, बिकॉज जो भी प्रोसीजर पेनफुल होता है IVF के बीच में, वो बेहोशी के अंडर किया जाता है, इट्स डन अंडर एनेस्थीजिया। तो इसलिए IVF इज़ नॉट ए पेनफुल प्रोसीजर एनी मोर, इसलिए ये एक मिथ है। एक IVF बहुत, और इंजेक्शंस भी आजकल तो IVF के बहुत पेनलेस आ गए हैं, बिल्कुल पेनलेस इंजेक्शंस हैं, बिल्कुल छोटी सी सुई होती है, जैसे कि इंसुलिन की सुई होती है जो डायबिटीज़ के मरीज़ लगाते हैं, उसी तरह की सुई होती है, बिल्कुल पेन नहीं होता है। एक और मिथ है IVF में कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, जो कि ऐसा नहीं है। जो भी आप एक नॉर्मल TV लेते हैं घर में, ये उससे भी सस्ता प्रोसीजर है। ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव है किसी भी एक कोई और नॉर्मल प्रोसीजर से, पर इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना लोगों ने उसको बना रखा है। एक जितने लोग ट्रीटमेंट लेते हैं बाहर, अगर कलेक्टिवली देखा जाए, बहुत सारे लोग बहुत पैसे वेस्ट करते रहते हैं, इधर दिखाना उधर दिखाना, उसी टाइम में अगर वो एक IVF करवा लें तो वो कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू वो जितना पैसा रिपीटेडली अल्ट्रासाउंड पे, एक ड्रग्स खाने में, लोकल डॉक्टर्स के पास जाने में जितना पैसा वेस्ट किया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता है IVF। तो ये कुछ एक मिथ्स हैं। और लोगों को ऐसे लगता है कि जो IVF है हर एक क्लिनिक में एक ही जैसा होता है, ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर का एक्सपर्टीज़, उस IVF क्लिनिक का सक्सेस रेट, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं IVF के बीच में, कि कैसा है वो, जो जिस सेंटर में वो जा रहे हैं उसका सक्सेस रेट कैसा है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि IVF हर जगह पर सेम होता है। और एक मिथ कि IVF 100% सक्सेसफुल प्रोसीजर है, ये एक बहुत गलत है। अगर कोई आपको IVF सेंटर ऐसा बोलता है कि हमारे सेंटर का रेट 100% है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो एक तरह से आप फ्रॉड कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। IVF का सक्सेस रेट यूजुअली 50-60% होता है, इट कैन गो अप टू 70%। तो इसलिए IVF का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या है इनफर्टिलिटी का। अगर सिंपल कॉज है इनफर्टिलिटी का, जिसके बीच में जैसे PCOS हो गया, तो सक्सेस रेट कैन गो अप टू 80% टू। लेकिन अगर कोई मेल फैक्टर है इनफर्टिलिटी, या फिर कोई ऐसा कारण है जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, इन चीज़ों के बीच में सक्सेस रेट कम हो जाता है, इट कैन कम डाउन एज लो एज 40%। अगर बहुत एडवांस एज है और वुमेन अपने ही एग्स के साथ इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाना चाहती है, तो सक्सेस रेट और कम हो जाता है, इट कैन कम डाउन अप टू 30%। तो इसलिए IVF का सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि कारण क्या है। इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि IVF का सक्सेस रेट हमेशा 100% होता है या हमेशा ही कम होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। और मिथ है IVF के बीच में कि सारी प्रेगनेंसीज जो भी कंसीव होती हैं ART से, वो सब सिजेरियन सेक्शन में लैंड करती हैं। ऐसा नहीं है, नॉर्मल डिलीवरीज भी करवा सकता है कोई। इट इज़ ऑल ऑन द पेशेंट्स चॉइस। ऐसा नहीं है कि सब प्रेगनेंसीज में सिजेरियन सेक्शन, इट्स ऑल ऑन द पेशेंट्स चॉइस। अगर सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा सीधा है, और पेशेंट को अपने आप लेबर पेन लग जाता है, तो फिर वो प्रेगनेंसी में वो नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकता है। तो ये एक मिथ है। एक और मिथ होता है कि जो भी पेशेंट इनफर्टिलिटी का होता है उसको IVF ही करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कुछ बहुत सारे और भी प्रोसीजर्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं IUI के साथ भी। IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, हम ऑलरेडी इसके बारे डिस्कस कर चुके हैं हमारी पुरानी वीडियो में। तो IUI के साथ भी कंसेप्शंस होती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो भी पेशेंट को इनफर्टिलिटी है उसको लेटर ऑन IVF ही करवाना पड़ेगा। एक और मिथ हम जो डिस्कस कर सकते हैं कि सब पेशेंट्स जिनके साथ भी IVF होता है वो लोग इनफर्टाइल होते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ एक ऐसी डिजीज़ होती हैं हमें जो कि हम IVF से जो कि हम डायग्नोस कर सकते हैं एम्ब्रियो की जांच करके। जैसे कुछ घर में थैलेसीमियास की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, सिकल सेल डिजीज़ हो गई, या कोई भी ऐसे जेनेटिक मैलफॉर्मेशन, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, या कोई पहला बच्चा जो पैदा हुआ है उसे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी, तो ऐसे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, IVF के थ्रू एम्ब्रियो बनते हैं जो उनकी उनको जांच के लिए भेजा जाता है, और उनसे जो भी हेल्दी एम्ब्रियोज हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इससे हम जो भी ये जानलेवा, जैसे थैलासीमिया जैसी जानलेवा प्रॉब्लम है, ये ताकि ऐसा बेबी ट्रांसफ़र ना हो, वो हम थ्रू कर सकते हैं IVF से। तो IVF ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इनफर्टाइल कपल्स के लिए है, ये एक तरीका है हेल्दी एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करने का। तो ये थे ऑल द मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट IVF। तो अगर आपको लगता है कि आप इसके बारे और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे हॉस्पिटल में, मणिपाल हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। IVF डिपार्टमेंट 9 to 5, डॉक्टर रश्मि बोहरा। थैंक यू।